इश्कावे जाके बता दो पंचायत वालों को, अब बड़े हत्तों से इसका गला घोट दूंगी पर इसे मड़ी नहीं ओढ़े दूंगी। जब तक वो लड़की हवेली में कदम नहीं रखती रंगा दफन नहीं होगा। जबरजाही ने मुन्नी को जहर देके मार दिया, अब वो मुझे ले जाएंगे। खबरदार, जो आज के बाद तूने सुर्खी लगाई, नू नहीं है हवेली की, वनों के आई है। जिसकी ना मैं हूं, शीतो आपके लिए खाना लाई थी, बड़ी रातों से जागी हैं आप, खाना खा के सो जाना। बाजी खाना खा ले। बस बाजी बस। ना रोए, ये खाना खा ले। अच्छा मैं अपने हाथ से बुर्की बना के देती हूँ, जी खाए। मेरा पेट तो बारकोट से भरता था, जब तक वो रोज रात को आकर मुझे मार कुट के नहीं जाता था मेरा पेट नहीं भरता था, मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे कभी नहीं देखेगा। पाजी सकीना आज जी भर के रो ले, आपको मारने वाला अब कभी नहीं आएगा। तुझे जन्नत बीबी ने बुलाया है, फिर तो मैं तेरा गला घोट देती हूँ, तुझे मार देंगे। तेरे उनके हाथों मरने से तो अच्छा है तुझे मार दूँ मैं। इश्कावे अम्मा रोटी खा ले। कुछ तो खा ले अम्मा। अम्मा कुछ तो बोलना अम्मा, मेरी तरफ देख तो सही अम्मा, माफ कर दे अपनी दी को अम्मा। Oh, my God.
ओ खाना क्यों नहीं खोंदी पई? मैं नहीं खोंदी रात दी सुक्की रोटी। ते तेरा क्या ख्याल है मैं को जाया कर देवा? रात तेरे आखन ते पकाई आई। मैं नहीं खोंदी ना अम्मा। ना खा, ए तेरा दिमाग ना असा खराब कीते तेरे नखरे चाह चाह के। व्याह थी सी सावरे घर वैसे ना ते सारा दिमाग तेरा ठिकाने आवे सी। खा लेगी अम्मा, तू जा अपना काम कर। ठीक है, अगर नहीं खाऊंदी ना तो मैं कुछ नसावी, मैं कुछ ठीक करे सा आके। पराठा वो बीबी लकड़ियां गीली थी इसलिए टाइम लग गया। किसी दिन तुझे भी लकड़ियों के साथ सुखाऊंगी ना, फिर लकड़ियां गीली नहीं होंगी। माफी चाहती हूं, आइंदा ख्याल रखूंगी। सकीना ने रोटी खाई? लेके गई थी। मैंने ये नहीं पूछा कि तू लेके गई थी कि नहीं। उसने खाई कि नहीं? नहीं बीबी, रोटी वैसे ही पड़ी है। जुल सवानी को बुला। कौन? वो मुबशर की बहन? आइंदा इस हवेली में मेरे पुत्र के कातिल का नाम भी लिया तो जिंदा दबा दूंगी। जुल। जी बीबी। रोटी भी नहीं खाई? और रोटी क्यों नहीं खाई? मैं सुखी रोटी नहीं खाती। कोई गाल नहीं, हौली हौली आदत पड़ जाएगी। जुल, बीबी ने याद की है। तू जुल, मैं आती हूं। वाह, छल्ली समझे मुझे। वड्डी आई, तू इस हवेली की नौनी है। वोनी हो के आई, वोनी हो के। तेरे भरा ने इस हवेली का पुत्र मारा है।
अब तो उससे ज्यादा तो इस हवेली की नौकरानियों की इज्जत होगी, वो भी देख लेना कितनी होती है। जुल आगे लग। घूरती क्या है, आंखें निकाल लूंगी मैं तेरी। चल आगे लग, आगे चल। छेतिया, ओ छेतिया आजा, बड़ा शौक है तुझे हवेली देखने का, आजा। उठ जा, उठ जा, उठ जा यहाँ से, उठ जा। यहाँ तुझे दाना मिलेगा, पानी मिलेगा, लेकिन जिंदा रहने का हक नहीं मिलेगा। बच्चे छोड़ दे, मार देंगे। बड़ी बीबी ने बुलाया, बीबी, बड़ी बीबी ने। जन्नत बीबी ने बुलाया है? जी बीबी। तुझे जन्नत बीबी ने बुलाया है? फिर तो मैं तेरा गला काट देती हूँ, तुझे मार देंगे। उनके हाथों मरने से तो अच्छा है, तुझे मार दूँ मैं। भाग जा यहाँ से, मार देंगे ये लोग तुझे। पिंजरा है ये पिंजरा, भाग जा यहाँ से, मार देंगे, मार देंगे, कोई जिंदा नहीं रहता यहाँ, मार देंगे। भाग जा, भाग जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से, मार देंगे तुझे। पिंजरा है ये, पिंजरा है ये, मार देंगे तुझे। कुछ खाया? शीदो। जी बीबी। नाश्ता क्यों नहीं करवाया इसे? बहुत कमजोर हो गई है, दिल तो करता है तेरे सीने में गोली उतार दो और तेरे हिस्से का सारा कम इस कुड़ी के हवाले करूं। चल जा, नाश्ता बनवा। तू इधर ही रहेगी क्या? दफाओ, जा जाके नाश्ता कर। खा ले। क्या हुआ? कुछ नहीं, बता ना। मेरी अम्मा भी बिल्कुल ऐसे ही पराठा बनाती थी। एक मशवरा दूं, अपने पिछलों को भूल जा। भूल जाऊंगी, हौली हौली भूल जाऊंगी। चंगा ही करेगी। खाला, क्या हुआ खाला?
मुझे कभी किसी ने खाला नहीं कहा, छोटा बड़ा सारी शीतो कहते हैं। आज से मैं तुझे खाला ही बुलाऊंगी। ठीक है, अपने काम से काम रख, समझी? ये जो कौसर है ना, बड़ी कपटी है, इससे बच के रहना, नहीं तो बड़ा नुकसान उठाएगी। खाला, एक बात तो बता। पूछ। मेरे सर का साई कौन है? नाश्ता ध्यान से कर। के कातिल की बहन, जिस दिन उसको देखा ना मैंने, तू जो सजा बोलेगी मुझे कबूल है। खैर है, आज तो सुबह ही सुबह क्या मत ढा रही है। खैर ही है, नाश्ता लगवाऊं? आज खैर नहीं है, कुछ ज्यादा ही नहीं ख्याल रख रही तू मेरा आज? मैं तो रोज ही ख्याल रखेनी है। तू हां को आज तो सेहत है, मैं क्या आग सकती। बैठी है वो बाहर। कौन? जिससे शादी हुई है आपकी। मुझे क्यों दिखा रही है? जैसे कभी देखेंगी। मेरे भरा के कातिल की बहन, और मैं क्यों देखूंगा उसको? मर्द का क्या भरोसा, सामने कुछ पीछे कुछ, फिर मेरे को क्या पता चल सी। ध्यान लेना चाहती है मेरा, यही समझ लो। जिस दिन उसको देखा ना मैंने, तू जो सजा बोलेगी मुझे कबूल है। अच्छा, आजमा ले। क्या कर रहा है बेटा? मेरे साथ खेले ना। झूल पार झूल के। सलाम अलैकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। ओ, बीबी ने इसे भेजा है,
आपकी खिदमत के लिए आसिया है। कौन आसिया? वो चौधरी मुबशर की बहन। इसको ले जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं इसके साथ कुछ गलत कर दूं। बहुत गलत किया है तुम्हारे भाई ने मेरे साथ, एक बारी फिर गल्ला कर दी। ले जाओ इसको मेरी नजरों से, और आइंदा मेरे कमरे में ना लेके आना। जा। अच्छा बीबी। खाला शीदो, क्या है? वो आजी स्कीना क्या कह रही थी मुबशर अदा के बारे में? जैसे तुझे तो पता ही नहीं है। अल्लाह साई की कसम नहीं पता, बता ना। चलनी ना हो तो बाजी सकीना पहले चौधरी मुबशर की मांग थी, वहीं से तो बात शुरू हुई सारी। चला कम करिए, आजा। ये क्या किया जुलेखा बाजी? क्या थाली में रख के सौतन दे गई है जहां साईं को? तुझे क्या लगता है सौतन बढ़ने दूंगी मैं उसे? मैं तो बस ये चाहती जहां साईं के दिल में किसी तरह चोर पैदा हो जाए। चोर? हाँ, चोर। बड़ा मुश्किल होता है कभी कभी जहां साईं से नजरें मिलाना। दोनों के दिल में चोर होगा तो दोनों की नजरें झापका खाएंगी। अगर वो जहां साईं को पसंद आ गई तो? उसका हल भी है मेरे पास। वो की? तो देखी जा, झाका मैंने खुलने नहीं देना। खाला क्या है? कुछ और बताना। क्या बताऊं तुझे? बाजी सकीना और अद्दा मुबशर के बारे में। चल दफा हो, कम कर, मेरा दिमाग ना खा। चल ठीक है, बताती हूँ, मेरा टाइम भी अच्छा गुजर जाएगा। कसम खा, किसी को बताएगी तो नहीं? अल्लाह साई की कसम नहीं बताती। जवानी में बाजी सकीना बहुत खूबसूरत थी, ऐसी मुरझाई हुई नहीं थी। सुर्खी पाउडर लगाती थी, वंश वन्य कपड़े पहनती थी, हस्ती खेड़ती थी। तेरा भरा जवानी में शिव वर्गा जवान था। दोनों को देख के दिल खुश होता था। फिर वडवडेरों ने बैठ के दोनों को रिश्ता करवा दिया। रिश्ता करवाने में रंगे साई ने भी तेरे भाई मुबशर का बड़ा साथ दिया था। यारी थी बहू दोनों में। फिर एक दिन रंगे साई की सकीना बाजी पे नजर पड़ गई और नीयत खराब हो गई।
सुना है, जिस दिन तेरे भाव मुबशर और सकीना बाजी की मंगड़ी थी, रंगा साईं ने तय कर लिया था कि वो सकीना बाजी से खुद ब्याह करेगा। रंगा साईं जो सोच लेता था वो करता था। चल कम कर। बाजी जुलेखा दिन आई है जी। इतना मासूम चेहरा है तेरा, एवी तरस आ जाता है। पर हम तुझे यहां तरस खाने के लिए तो नहीं लाए ना। तो तुझे नफरत करने के लिए लाए। और इतना प्यारा और इतना मासूम चेहरा देखकर नफरत होती नहीं। क्यों कौसर? नहीं बाजी। हाल सोचा है मैंने, क्यों दान निकाल रही है? दबाओ। तो देख देख, नफरत हो रही है ना अपने आप से। खुद से इतनी नफरत हो रही है, दूसरों को कितनी नफरत होगी तुझसे। वैसे ही नजर आना मुझे, इसलिए रंग दिखाया ना, अगली बार कालक नहीं तो साथ फेंक दूंगी। चल आसिया, आसिया।
आसिया 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 मेरी दी। कुछ देर के लिए ही सही, उसे ले आए जाकर। देख ले, लग रही है सोनी तुझे। इश्क़ावे मैं उसने पंचायत में कुछ भी नहीं बोला बीबी, वो इसलिए कि अगर मैं कुछ भी कहता तो लोगों ने तो यही कहना था ना कि बेटी का बाप बन गया है, ये क्या इंसाफ करेगा। पर बीबी आज मैं बेटी का बाप बन कर आया हूँ, जो भी हुआ चंगा नहीं हुआ। खुल के बात कर, कहना क्या चाहता है। ना मेरे को एक गल डसा बीबी, तुझे मेरा ही दामाद मिला था उस वनी से निकाह पढ़वाने के लिए। झल्ला हो गया, तेरा क्या ख्याल है। 200-400 बंदे गए थे ब्याहने के लिए, और जब उसने चौखट पे कदम रखा था तो खब्बे सज्जे तेल चोया था मैंने। मेरा पुत्र कत्ल किया उसके भरा ने, वोटी बना के नहीं लाई हूं उसको, जाने ने नजर उठा के नहीं देखा है उसे, हवेली की नौकरानियों से बदतर जगह में रखा है उसे, लाल जोड़ा उतरवा के उत्तरण पहनाई है उसे। जुल जाके देख ले उसका कमरा कहाँ रखा है, कैसे रखा है। शीदो, ओ शीदो। जी बीबी जी। अंधी हो गई है, देख नहीं रही है, पुराने आए हैं, को हुक्का ताजा कर, लस्सी पानी का इंतजाम कर। उन्हें करती हूँ जी। फूफी आप आके दे है? अपने कमरे में होगी, सुर्खी पाउडर लगा रही होगी, जा उसे सीखा कर कुछ। जी बीबी, वो सवानी है कहा? सलामी देनी है तुम्हें। भाजी जानजेब ने देखा है उसे? किसे? अरे वो सुहानी जो वनी होके आई है, सुना बड़ी सोनी है। देखता रहे मुझे क्या। हाँ ये क्या बात कर रही है भाजी, मुंह पे कालक मल के फिरती है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा है मुंह पे कालक ना मली तो तेजाब डाल दूंगी।
क्या हुआ है मेरी बहन को? इतनी बुझी बुझी क्यों है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक दो हफ्ते में आ रहा है जिबी। लेकिन रंग साई की मर्ग पर क्यों नहीं आया वो? बुब्बी ने मना कर दिया था, इम्तिहान हो रहे थे ना उसके, आ जाता तो फेल हो जाता। बुब्बी बड़ी सख्त औरत है, लगता ही नहीं है कि उसका जवान पुत्र मरे। सख्त होना पड़ता है, इतनी बड़ी जागीर ऐसे ही नहीं संभाली जाती। आ जा। ये है, देख ले, लग रही है सोनी तुझे। घर से मैं ये सोच के निकला था कि मैं तेरा गिरेबान पकड़ूं, मगर तेरे घर के वीरान हालात देख के मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी गिरेबान तुझे पकड़ा दूं। बड़ी देर से ढूंढ रहा था तेरे को। सुना सुनिया तो हाथ छोड़ मेरा। अम्मा